Asus Zenfone Max Pro M2. जी हाँ दोस्तों, Asus ने अपना जो है स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, Asus Zenfone Max Pro M2, जिसकी जो है काफ़ी दिनों से जो है कुछ ना कुछ लीक्स जो है, कुछ कंफर्म न्यूज़ जो है वो निकल के बाहर आ रही थी। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत ही अच्छे जो है प्राइस पे जो है फ़ोन लॉन्च हुआ है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये जो प्राइस है 13,000 से लेके जो है 17,000 का ये प्राइस रेंज में इसके जो तीन वेरिएंट जो लॉन्च हुए हैं, 3GB 32GB 4GB 64GB और 6GB 64GB, आपको प्राइस ज़्यादा लगा, कम लगा या बिल्कुल लगभग सही लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ऐसे बेहतरीन फीचर बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इस फ़ोन में मिलते हैं और आपको जो है ये फ़ोन को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लेना चाहिए जैसे इसकी जो है फर्स्ट सेल लगेगी 18 दिसंबर को दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूँ इसमें दोस्तों आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, आपको स्नैपड्रैगन का 660 विद AI फंक्शनैलिटी आपको जो है प्रोसेसर मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ दोस्तों अगर दूसरा पॉइंट बात करें साथ ही साथ, तो आपको जो है स्टॉक एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो भी आप बड़ी बात है। तो आपको एक तो बढ़िया परफॉर्मेंस वाला जो प्रोसेसर, साथ ही साथ आपको स्टॉक एंड्रॉयड का जो आपको ब्लॉटवेयर फ्री जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो भी यहाँ पे मतलब सोने पे सुहागा कर देगा। अगर आप जो है परफॉर्मेंस टाइप गए हैं कि आपको जो है परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए ये फ़ोन जो है वो बेस्ट है दोस्तों बजट सेगमेंट में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो इसका प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस पे ये जो है फ़ोन जो है वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की तरफ, तो वो है इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन, ओवरऑल इसका लुक। अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं मैक्स प्रो M1 और साथ ही साथ दिखाऊं मैक्स प्रो M2, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल दोनों के डिज़ाइन में जो है कितना जो है डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, कितनी जो इसका जो ग्लास टाइप इसका आपको लुक मिलता है। हालाँकि ये एक पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन है बट फिर भी जो है अगर बात करें ओवरऑल लुक की, क्योंकि नेचुरली आप परचेज़ करोगे और उसके बाद दिखाओगे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उनको देख के नेचुरली लगेगा कि यार वाह क्या फ़ोन है, जैसे कि Realme 2 या Realme 2 Pro के केस में लगता था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉच वाला यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉच में ही आपको फ्रंट LED जो फ्लैश है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है सेल्फी कैमरा के साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 6.2 इंचज़ की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप जो है इसकी जो ब्राइटनेस है बिल्कुल कम कर दोगे तब भी जो है आपकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट रहती है। साथ ही साथ अगला जो बेस्ट फीचर है उसकी बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जो है 5 मैग्नेट स्पीकर देखने को मिलता है, अच्छी आपको जो है वो ऑडियो आउटपुट आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, जो हम कंप्लेन कर रहे थे कि आपको जो है प्रॉब्लम आ रही थी मैक्स प्रो M1 में, मतलब कि लैग कर रहा था शुरुआती दौर में उस टाइम, और यहाँ पे ऐसे आपको कुछ भी लैग नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर जो है अच्छा वर्क करता है, अलॉन्ग विद दैट आप जो है फेस डिटेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। सिक्योरिटी के दो फीचर्स आपको मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस आपको फेस अनलॉक यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। बात करें इसके कैमरा की, तो फ्रंट वाली साइड आपको दोस्तों 13 MP का कैमरा मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ में, और बात करें अगर रियर कैमरा की तो यहां पे आपको 12+5 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया है बट जो है कैमरा इसका मैक्स प्रो M1 से जो है वो अच्छा है, हालांकि ये डिग्रेड कर दिया क्योंकि आप अगर बात करें 6GB 64GB मैक्स प्रो M1 की, तो वहाँ पे आपको 16 MP का कैमरा मिलता था और यहाँ पे आपको जो है वो 12 MP का कैमरा देखने को मिलता है। अब करें बात सबसे बड़ी चीज़ की जो कि इस प्राइस सेगमेंट में इन्होंने दे दिया दोस्तों, वो जो है काफ़ी धमाल वाली बात है क्योंकि ये चीज़ जो है कंपनी ने काफ़ी टाइम पहले जो है कन्फर्म कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रोटेक्शन में जो फ्रंट प्रोटेक्शन है, फिजिकल प्रोटेक्शन, उसके लिए आपको जो है इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये जो है काफी बढ़िया बात है दोस्तों। तो इतने सारे इसमें फीचर्स हैं, इतना बढ़िया इसका प्राइस है, इतनी अच्छी इसकी लुक है, तो ये सारे फीचर्स को मद्देनजर मैं जो है जरूर से आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको जो है Asus Zenfone Max Pro M2 ले लेना चाहिए। साथ ही साथ स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आई रिकमेंड स्ट्रांगली Max Pro M2। अगर आप देख रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं Max Pro M2 या कुछ ऐसा जो आप लेना चाहते हैं बजट फ़ोन जो कि करीब करीब हो 13,000 से 15,000 के बीच में, तो ये जो है फिलहाल के लिए बेस्ट फ़ोन है आपके लिए। साथ ही साथ आपको जैसे मैंने बताया स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस और अच्छा आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेस्ट फीचर्स है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे बताना कि कौन सा पॉइंट जो है वो मैंने मिस कर दिया या फिर जो है कौन सा पॉइंट आपके लिए जो है वो बेस्ट है, वह मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।